ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम हुम हनुमते नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम मातेश्वरी नमो नमः, ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। मीन राशि, शनि साढ़े सात, लाभ स्थान में ग्रह चल रहे हैं, लेकिन कुछ हालत में मीन राशि वालों के अंदर कुछ ज्यादा ही, जैसे जैसे राहु बल ले रहा है, कुछ जो कॉम्प्लेन्स, कुछ जो समस्याएं बिल्डअप हो रहे हैं, समझना और समझाने का शक्ति में कमी होना। सीधा बोलो उल्टा समझना, उल्टा बोलो सीधा समझना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी मेन वालों को नहीं समझा सकते, सभी के मामले में नहीं, कुछ लोगों के मामले में। एक तरफ से साढ़े साथी, एक तरफ से लग्न में रहो, ना समझी का कुछ मीन राशि वाले हद पार कर रहे हैं। परिणाम इसका आगे चल के बुरा हो सकता है, अपने लोग दूर हो जाएंगे, सहायता करने वाले भी आपको सहायता नहीं करेंगे। बार बार बोला हूं, इस समय शनि जब आपसे 25वां नक्षत्र में गोचर करेंगे तो मूर्ख बनाते हैं, सावधान रहो, समझने नहीं देते। लोग आपको अगर अच्छा समझाने जा रहे हैं तो भी आप उल्टा समझोगे। दोषारोप करना, दूसरे का दोष देखना और अपने को दूध का धुला युधिष्ठिर बोलना, समझना कि मैं ठीक बाकी गलत, दूसरा है गलत निर्णय, इसका मात्रा बढ़ रहा है। जो भ्रम है इस समय, क्या कि मैं ताड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, मोड़ दूंगा, इन्वेस्ट करके नया बिजनेस खड़ा कर दूंगा, मैं चैलेंज लेता हूं, गारंटी देता हूं, कोर्ट पेपर में लिखने के लिए तैयार हूं कि सर ठोक दोगे पत्थर लाके ना तो भी नहीं कर सकते। मुझे अगर इतना विश्वास आप लोग करते हो, मैं आज से नहीं, सिंह राके सासी के साढ़े साथी से मैं देखते देखते कंडीशन को आ रहा हूं। यू नेवर बिलीव, सिंह वाले जो गलती किए थे आज तक पछता रहे हैं, और आगे तो इनको ढैया लगेगा। तो कृपा करें, मैं जानता हूं मैं कितना भी समझाऊं नहीं समझोगे। मैं इस समय बोलूंगा भाई नया बिजनेस मत स्टार्ट करो, इन्वेस्टमेंट मत करो, खर्चा मत करो, आने वाला भयंकर पीरियड आ रहा है जिस समय पैसा का बहुत जरूरी रहेगा, अभी ओवर कॉन्फिडेंस पे मत जाओ। और ये बोल बोल के डेढ़ साल से भूखी रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आज कुछ राशि, आज कुछ कुंडली में देख रहा था, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में, मेरे नाम पे नहीं दूसरे के नाम पे बिजनेस कर लूंगा, तो मैं बोला संसार में सबको भकुआ बना सकते हो, एटलीस्ट शनि को भकुआ बनाने का कोशिश मत करो, शनि भकुआ नहीं है। तीसरा है कुछ मीन वालों का रोना धोना चल रहा है, ऐसा हो गया तैसा हो गया, धोखा हो गया, प्रेम में हो गया, मेरे को कोई कुछ समझते नहीं है। राहु जैसे जैसे पावर में आएगा, भेजा के ऊपर इस प्रकार के भ्रमात्मक चिंताओं को देगा, एरोगेंस देगा, इग्नोरेंस देगा। मैं भी बड़ी भली भांति जानता हूं कि आपको नहीं समझा सकता, लेकिन फिर भी बिन मतलब का वीडियो बना रहा हूं। इसलिए नहीं बना रहा हूं कि इस समय समझोगे, जब फट के फूल बन जाएगा आने वाला 3-5 साल के बाद, घूम के जरूर इस प्लेलिस्ट में कोई ना कोई आएगा और बोलेगा कि हाँ ये आचार्य संजय अपने वीडियो सीरीज में बोला था, क्योंकि मकर वालों को समझने के लिए 5.5 साल का टाइम लगा था। ये वीडियो मेरा उस अगला 5 साल को देखते हुए इस प्लेलिस्ट में डाल रहा हूं, मीन राशि के साढ़े साथी में, और एग्जैक्टली यही काम कुंभ के साथ चल रहा है। ये लोग भी एक्स्ट्रा मेंटालिटी बोल रहे हैं कि हम शायद साढ़े साथी का द्वितीय ढैया है, कुछ इन्वेस्ट करके बिजनेस करके सफल हो जाएंगे। मकर राशि वाले भी यही सोच रहे हैं, सोच तो रहे हैं। अब ये अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 5% का नुकसान होगा, कुंभ वाले स्टार्ट करेंगे तो 35-45 का नुकसान होगा, आप करोगे ना
100% रुकेगा। लिख लो, लिख लो। तो ओवर पावर, ओवर कॉन्फिडेंस, जिद्दीपना, भ्रमात्मक चिंता और ये लाभ स्थान का एनर्जी के कारण इस 2 महीना में हो सकता है आपके अंदर ऐसा आए। कृपा करें थोड़ा दूसरे को समझें। हो सकता है ये वीडियो किसी का परिवार, किसी का फ्रेंडशिप, किसी का मित्र बंधु का मित्रता, बंधुता और परिवार टूटने से बचा दे। हाथ जोड़ता हूं मीन वालों को। सामने वाला समझाने आ रहा है तो चुप रह के समझो, ना कि उसके साथ आर्गुमेंट करने लग जाओ, दोषारोप देने लग जाओ। और इस समय अगर आपका कोई मित्र जो कुंभ का हो या मकर का हो, अगर कोई मित्र बेचारा उन भी पीड़ित है लेकिन थोड़ा बहुत मकर होश में है, कुंभ वाले तो एकदम होश में नहीं है, डूबे हुए हैं एकदम माया जाल में, और आप को क्या बताएं, गहरा माया सागर में पड़े हुए हो साढ़े साथी का, राहु का माया जाल में। आज नहीं समझोगे तो 5 साल के बाद तो पक्का समझोगे, क्योंकि 5 साल के बाद तो शनि निकल जाएगा आपसे, हाउस तो क्लियर हो जाएगा उस समय। जब होश में आओगे और समझोगे तब तक देखना कि आपके हाथ में और कुछ नहीं रहेगा, और उस समय एक बहुत बड़ा ह्यूज लॉस बनेगा, और उसका जो प्लेटफॉर्म है अभी बन रहा है। जितना मेरे पास केसेस आ रहे हैं उसके एनालिसिस के तहत कह रहा हूं। चुप रहना, सहन करना, और जो लोग ब्लैकमेल का शिकार हो, इस समय आप अगर ये सोचते हो कि मैं अकेले ताड़ मोड़ के उल्टा के रख दूंगा छोड़ के, नहीं, खुल के बोलो अपने लोगों को, अपने माता पिता दंभु मित्र पति, फटेगा तो एक ही बार फटेगा, बदनाम होगे तो एक ही बार बदनाम होगे, हमेशा नहीं होगे। और नहीं बोलोगे और छुपाओगे, बोलोगे मैं उखाड़ दूंगा, उखड़ जाओगे। धन्यवाद।